धर्मनगरी चित्रकूट में आगामी 14 से 16 दिसंबर तक आयोजित 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ की तैयारियां अब लगभग अंतिम चरण में है। चित्रकूट स्थित तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु पद्म विभूषण श्री राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए जानकारी दी है। राम भद्राचार्य महाराज ने बताया कि चित्रकूट भगवान श्री राम की संकल्प भूमि है, इसीलिए हमारे मन में भी कुछ करने की इच्छा जागृत हुई और हमने हिंदू एकता महाकुंभ आयोजन करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम का आयोजन 14 से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। तो हमने हिंदू एकता महाकुंभ का निर्णय लिया, वो भी हमारी चित्रकूट की धरा पर, जो भगवान राम की संकल्प भूमि है। आप देख ही रहे हैं, यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम होगा 14, 15, 16 दिसंबर के लिए। यज्ञशाला बन चुकी है, टेंट बन चुके हैं, पांडाल भव्यता की ओर बढ़ रहा है। बन रहा है इस कार्यक्रम में देश के गण्यमान्य संत आ रहे हैं। चिदानंद मुनि जी, रमेश भाई ओझा आदि दिव्य अच्छे संत आ रहे हैं। थोड़ी सी भी देर हुई मुझे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा नहीं हो रही थी, उनका अधिक ध्यान हो रहा था। और आजकल धर्मांतरण होने लगा, आप देख ही रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हठात धर्मांतरण करवा रहे हैं और जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। नागरिक संहिता बहुत विषम हो चुकी है, हमें सम्मान चाहिए। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटी बहुओं को, बहनों को फंसाया जा रहा है। गोवध बंद हो नहीं रहा है, हजारों की संख्या में हमारी गायें काटी जा रही हैं। आज मैं तो लाखों की संख्या में कहूंगा। नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भारत के हिंदुओं को दिया व्यक्तिगत, एक एक व्यक्ति को निमंत्रण देना कठिन है, तो प्रमुख जो हैं उन सभी को निमंत्रण जा चुका है और बहुत से लोगों ने अपने आने में सहमति दी है। तो राजनेता इसमें सम्मिलित होंगे? जी, राजनेता भी इसके हिंदू के रूप में सम्मिलित होंगे, सनातनी परंपरा का पालन करने वाले के रूप में सम्मिलित। नहीं तो बीजेपी बस क्या रहे हैं कि और भी दलों से? नहीं, सभी सभी सभी, क्या बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी का बंधन इसमें नहीं है। जो हिंदू की बात करते हैं, जो हिंदू एकता की बात करते हैं, जो सनातनी परंपरा को मानते हैं, जो हमारी सनातन पूजन पद्धति को मानते हैं, वो सभी लोग इसमें आ रहे हैं।